लोकायुक्त पुलिस ने एक महिला सरपंच को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये सरपंच कुएं के भुगतान के लिए 15,000 की घूस ले रही थी। 15,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने आदिवासी महिला सरपंच को गिरफ्तार किया है। महिला सरपंच स्वीकृत कपिल धारा कुआं के भुगतान करने के एवज में 10% राशि रिश्वत में मांग रही थी। आवेदक महेंद्र प्रताप लोधी के दादा के नाम पर कपिला धारा कुआं स्वीकृत हुआ था, जिसमें 2,87,000 रुपये के बिल का भुगतान होना था। लोकायुक्त पुलिस ने रामटोरिया सरपंच बबली आदिवासी और उसके पति सुनील आदिवासी को इस मामले में सह आरोपी बनाया है। मेरा हितेशी कूप स्वीकृत हुआ था वर्ष 2023 में, जी, जिसका निर्माण मैंने स्वयं करवाया है, जो फिजिकली रूप से कंप्लीट हो गया है, जिसका सामग्री भुगतान होना था, जिसके एवज में सरपंच द्वारा लगातार 10% की राशि मांगी जा रही थी, जिससे परेशान होकर मैंने न्यायालय लोकायुक्त का सहारा लिया और उनके समक्ष आज पूरा प्रकरण है। राम डोरिया का निवासी महेंद्र सिंह लोधी जी 18 तारीख को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करने आया है कि सरपंच जो राम डोरिया की है, उनके द्वारा उसके कपिल धारा कूप जो स्वीकृत हुआ था, उसका पूरे टोटल बिल का 10% मंगाया जा रहा था। उसका टोटल बिल 2,87,000 रुपये था, उसका 10% मंगाया जा रहा था। आवेदक द्वारा अनावेदक बबली आदिवासी और उसके पति सुनील आदिवासी जो सरपंच पति है, दोनों की रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें 15,000 रुपये लेना स्वीकृत किया, सहमति हुई, जिसे आज रंगे हाथों द्वारा सह आरोपी सहित पकड़ा गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।